hello students how are you all hope you all are fine and having good time at home with your family and you are doing your studies very well at home students we live on earth in our environment you observe that everything has its particular shape which help us to identify those things and that shapes are different from one another so today we will learn about that shapes Hello, students. I am your math teacher, Ms. Silki Gupta, and today I will teach you shapes. So, let's get started. So, let's get started with the shapes. The first one is the triangle. Triangle is like this it has three sides and three corners. So, this is called the triangle. वी कैन ड्रॉ ट्राएंगल लाइक दिस वन साइड टू साइड एंड थर्ड साइड दिस इज कॉल्ड द ट्राएंगल लाइक दिस ट्राएंगलर हैज थ्री साइज़ वन टू एंड थ्री साइज़ होती है इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है आइसक्रीम कौन जो हम आइसक्रीम खाते हैं उसकी जो कोन होती है वो ट्राइंगलर शेप होती है इसकी थ्री साइड्स होती है वन टू एंड थ्री आइसक्रीम कोन ठीक है देन इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है पिज़्ज़ा की स्लाइस पिज़्ज़ा की जो स्लाइस होती है जो कट की कट किया हुआ पिज़्ज़ा होता है उसकी स्लाइस की शेप जो होती है वो भी ट्रायंगल शेप होती है सो so उससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइसक्रीम कौन सी है वो भी ट्राइंगल है पिज़्ज़ा की स्लाइस वो भी ट्राइंगल है देन नेक्स्ट आता है हमारा सर्कल सर्कल राउंड होता है इसके कोई साइड्स नहीं होती ये कर्व शेप में होता है लाइक like ट्राइंगल की थ्री साइड से वन टू एंड थ्री सर्कल की कोई साइड्स नहीं होती हैं सर्कल के एग्जांपल क्या है बैंगल जो हम पहनते हैं हाथों में चपाती जो रोटी होती है वो भी गोल होती है सर्कल शेप में होती है नदर एग्जाम्पल इसकी है दिस वॉल क्लॉक ये भी राउंड होती है ठीक है सर्कल ठीक है उसके बाद थर्ड वन हमारा आता है वो रेक्टेंगल रेक्टेंगल कैसे होता है इसके फोर साइड होती है वन टू थ्री एंड फोर इसके फोर साइड होती हैं बट आप देखेंगे कि इक्वल नहीं होता इसके जो सामने वाली साइड होती है ऑपोजिट साइड वो सेम होती है ये और ये सेम है ये साइड और ये से साइड सेम है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल डोर जो हमारे घर पे डोर लगे होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं इस शेप में होते हैं ये यह यहाँ से लेंथ में लंबा होता है चौड़ाई में कम चौड़ा होता है लाइक like दिस ये एक रेक्टेंगुलर शेप है ये और ये सामने वाली जो साइड्स हैं ये सेम है ये और ये वाली साइड आपस में सेम है तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप है प्रॉपर देन नेक्स्ट हमारा आता है स्क्वेयर स्क्वेयर इज लाइक दिस इसकी जो चारों की चारों साइड होती हैं वो सेम होती है रेक्टेंगुलर में था ना कि चारों साइड सेम नहीं होती ये और ये साइड सेम नहीं होती आपस में बट जो स्क्र शेप होती है वो चारों साइड इसके सेम होती हैं इक्वल साइज होती हैं इसकी एग्जाम्पल है डाइस जो हम लूडो खेलते हैं उसकी जो डाइस होती है वो स्क्यर शेप में होती है नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारा पिल्लो जो क्यूशन होता है जो हम सोफे में यूज़ करते हैं वो भी एक स्क्र शेप है लाइक दिस इसके चारों जो साइड्स हैं सी इसके जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल है आपस में सी ओके तो ये भी स्क्र है सो so, हमने आज चार शेप्स के बारे में पढ़ा फर्स्ट वन इज़ ट्रगल जिसकी थ्री साइड्स होती हैं फॉर एग्जांपल आइसक्रीम कोन एंड पिज़्ज़ा स्लाइस देन हमारा आता है सर्कल जो कि राउंड होता है इसकी कोई साइड्स नहीं होती बैंगल्स होगी इसकी एग्जांपल रोटी होगी एंड वॉल क्लॉक होगी थर्ड वन आता है हमारा रेक्टेंगुलर जिसकी अपोजिट साइड सेम होती है बट ये चारों साइड से सेम नहीं होता फॉर एग्ज़ाम्पल डोर हो गया उसके बाद आता है स्क्वेयर शेप स्क्वेयर शेप वो है, होती है जो इक्वल होती है चारों साइड से लाइक like, हमारा डाइस लूडो की एंड क्वेश्चन सो दिस दिस इज ऑल अबाउट द शेप्स नाउ वी विल लर्न टॉप एंड बॉटम एंड नियर एंड फार सो स्टूडेंट्स यू कैन सी दिस बंडल ऑफ बुक्स विच इज कैप्ट ऑन वन अनदर यू कैन सी दिस बुक यू कैन सी दिस बुक इज़ ऑन द टॉप ये जो बुक है वो सबसे ऊपर पड़ी है ये वाली जो आप बुक देखोगे सबसे नीचे पड़ी है सी ये सबसे ऊपर है ये सबसे नीचे है तो ये ऊपर और नीचे का कंसेप्ट जो है वो है टॉप एंड बॉटम नाव अब हम टॉप एंड बॉटम के बारे में पढ़ेंगे ये जो बुक है सबसे ऊपर उसको हम बोलेंगे टॉप जो सबसे ऊपर होगी उसको हम बोलेंगे टॉप दिस वन एंड जो सबसे नीचे है सी सबसे नीचे कौन सी बुक है ये उसको हम बोलते हैं बॉटम बॉटम मतलब जो सबसे नीचे है टॉप का मतलब जो सबसे ऊपर है नाउ यू कैन सी दिस टॉप एंड बॉटम ये स्टेज पे कैट है एंड डॉग है द कैट इज ऑन द टॉप ऑफ द स्टेस आप देखेंगे जिस जो स्टेज के सबसे ऊपर सबसे ऊपर मतलब टॉप में कौन है कैट एंड द द बॉटम ऑन द बॉटम हमने जो अभी लर्न किया था लाइक like, ये जो कॉपी है सबसे नीचे है तो डॉगी स्टेयर्स के सबसे नीचे है नीचे का मतलब बॉटम तो जो कैट है वो ऊपर है टॉप में जो डॉग है वो नीचे है बॉटम में ऊपर जो है उसको हम टॉप बोलेंगे जो नीचे है उसको हम बॉटम बोलेंगे नाउ आप आइडेंटिफाई करो इसमें से कि इसमें टॉप कौन सी और बॉटम कौन सी है सबसे पहले हम देख अपना देखेंगे कि टॉप कौन सी है इसमें बॉटम ये जो गर्ल है ये टॉप में है आप सब आइडेंटिफाई कीजिए टॉप में कौन सी और बॉटम में कौन सी है सो मुझे पहले बताइए कि टॉप में कौन सी है दिस वन ये जो ब्लू कलर की गर्ल है जो ब्लू कलर की डॉल है वो टॉप में है और बॉटम में कौन सी है दिस वन बॉटम मतलब सबसे नीचे हमने अभी बुक की एग्जाम्पल की थी ना कि सबसे नीचे कौन सी है ये बुक थी नीचे कौन सी बॉटम पे ये वाली डॉल है कहते पुट अ सर्कल इसमें एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन है उसमें लिखा हुआ पुट अ सर्कल अराउंड द वन विच इज एट द टॉप एंड टिक द वन विच इज एट द बॉटम अब हम उस पर क्लिक उस पर राउंड सर्कल लगाएंगे अभी हमने सर्कल सीखा ना राउंड होता है जो टॉप पे है ये जो लड़की है अब टॉप में है तो हम इसको सर्कल लगा देंगे देन नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बॉटम अब भी कहते बॉटम पे जो भी है उसको टिक कर दो तो हम, को देखेंगे इसमें बॉटम में कौन सी है ये वाली डॉल है तो हम इसमें टिक लगा देंगे नाउ अब आप आइडेंटिफाई कीजिए स्टेयर में से ये स्टेयर है ठीक है अब इस लेडर में आइडेंटिफाई कीजिए टॉप में कौन है एंड बॉटम में कौन है टॉप में कौन सी है ये वाली क्यों क्योंकि ये सबसे ऊपर है बॉटम में कौन सी है ये वाली क्योंकि सबसे नीचे है टॉप वाले पे उसपे हम राउंड सर्कल लगा देंगे जो बॉटम पे उसपे हम टिक लगा देंगे अब इसको देखो इसमें सबसे टॉप में कौन सा है? हमने अपने आप पहले आइडेंटिफाई करना है टॉप में कौन सा ए जो सबसे ऊपर है बॉटम जो सबसे नीचे है डी सबसे नीचे है इन द ब्लैंक्स द ब्लॉक लेटर डैश इज ऑन द टॉप टॉप में कौन सा ब्लॉक है ए द ब्लॉक विद द लेटर डैश इज एट द बॉटम बॉटम में कौन सा है डी तो हम वो फिल कर देंगे देन यू कैन सी डैट लैपटॉप डैट लैपटॉप इज फार फ्रॉम मी वो जो आप लैपटॉप देख रहे हैं दिस डैट वन लैपटॉप ये मेरे से दूर है ये जो कॉपी है ये जो बुक है ये मेरे पास में है ठीक है ये बुक है जो मेरे पास है वो जो लैपटॉप आपको दिख रहा है वो मेरे से दूर है तो ये जो कन्सेप्ट है नियर एंड फार का कंसेप्ट है ये जो मेरे पास है इसको मैं बोलूँगी नियर कि ये मेरे बिल्कुल पास में पड़ी है मैं इसको टच कर पा रही हूँ ठीक है मेरे बिल्कुल पास में है दिस इज़ नियर टू मी तो जो पास में है उसको हम बोलेंगे नियर ये बुक मेरे नियर है अब वो जो लैपटॉप आप देख रहे हैं मेरे मेरे से दूर है मैं उसको टच नहीं कर पा रही हूँ तो जो दूर है उसको हम बोलेंगे फार जो दूर है वो होता है फार जो हमसे दूर है हम उसे टच नहीं कर पा रहे हमसे दूर चीज़ है वो वो लैपटॉप हमसे दूर है तो वो फार है जो नियर है वो पास में सो सी दिस एग्ज़ाम्पल नियर एंड फार का कंसेप्ट आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाएगा इससे दिस इज़ द डोर यू कैन सी दिस कैट इज़ नियर द डोर ये जो बिल्ली है इसके डोर के पास है ये जो माउस है ये डोर के पास है क्या नो no, ये जो माउस है बहुत दूर है कैट पास में है द कैट इज़ नियर द डोर कैट डोर के नियर है बिल्कुल पास है द माउस इज़ फार फ्रॉम द डोर जो माउस है वो डोर से दूर है सो दिस इज अ नियर एंड फार कंसेप्ट कि जो पास में होती है हम उसको नियर बोलते हैं जो हमसे दूर है फार है उसको हम फार बोलेंगे ठीक है द चेयर कहते है उस पर टिक करो जो कि चेयर के नियर है जो भी पर्सन चेयर के नियर होगा हम उसको टिक कर देंगे ये है चेयर हमारी चेयर के नियर आप देखो कौन सी है ये वाला के ये 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 वाला, no, ये वाला, वाला चेयर है है तो तो हम हम इसको इसको कर कर देंगे, देंगे। ठीक अब इन्होंने बोला होता है कि अ टिक ऑन द चाइल्ड विच इज फार फ्रॉम द चेयर देन हम इसको टिक करते क्योंकि ये चेयर से दूर है अ सर्कल अराउंड द डोल विच इज फार फ्रॉम द चाइल्ड उस पर सर्कल लगाओ सर्कल जो अभी हमने सीखा अराउंड द डोल विच इज़ फार फ्रॉम द चाइल्ड ये चाइल्ड से दूर है डोल ये तो इसके पास है इसके हाथ में है बट इससे दूर है इस चाइल्ड से दूर है ये डॉल तो फार मतलब दूर दूर कौन सी है ये तो हम इस पर सर्कल लगा देंगे ओके सो दिस इज ऑल अबाउट नियर एंड फार कि नियर कौन सा होता है जो बिल्कुल पास में है हमारे लाइक like ये लड़की है चेयर के पास में है दूर को हम बोलेंगे फार की जो हमसे चीज़ बहुत दूर है ठीक है दिस इज़ ऑल अबाउट नियर एंड फार टॉप एंड बॉटम टॉप वही जो हमारे सबसे अब हम इसको देखेंगे जो टॉप सबसे ऊपर है एंड बॉटम जो सबसे नीचे चीज़ पड़ी है ठीक है नियर एंड फार का कंसेप्ट हो गया टॉप एंड बॉटम का कंसेप्ट हो गया एंड शेप्स का कंसेप्ट हो गया सर्कल ट्राइंगल रेक्टेंगुलर एंड स्केयर Hope you understand it very well. Thank you for listening.